सरकार और मीडिया सत्ता की दौड़ में आपसी सौदा कर लेती है, फिर जनता किस पर विश्वास करे? न्यूज चैनल पर जिसमें खबरों के नाम पर कुर्सी हड़पने की कहानियां लिखी जा रही हैं, जहां संजीदा और सच्ची खबरों को छोड़कर टीआरपी के नाम पर सेंसेशनलिज्म बेचा जा रहा है। और क्या खबर किस अंदाज में सबसे पहले बताएगा? इस होड़ में तमाम अखबार और न्यूज चैनल जुट गए हैं। तुम्हें आगे रहने के लिए चाहिए ज्यादा से ज्यादा दर्शक, ऊंची टीआरपी जो तब्दील होती है ज्यादा एड रेवेन्यू में, और एड रेवेन्यू का मतलब है ज्यादा दौलत, ज्यादा दौलत। अब तक जिन जुबानों पर लगाम लगाकर रखा गया था वो भी अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं। हम बात उन सितारों की कर रहे हैं जिन्हें आप तो सिर आंखों पर बिठा कर रखते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में अपनी होठों को सिल कर बैठे थे। अभी हाल ही में जवान में शाहरुख का वो सीन जबरदस्त वायरल हुआ था, जिसमें वो लोगों से ये अपील करते दिख रहे थे कि वोट करने से पहले आपका वोट मांगने आए उम्मीदवारों से सवाल कीजिए। लेकिन किसे पता था कि शाहरुख अपनी फिल्म के एक सीन से बाकी बॉलीवुड को भी बोलना सिखा देंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बलीरम। शाहरुख खान के उस सीन के वायरल होने के बाद से अमिताभ बच्चन की फिल्म का भी एक सीन इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में है, जिसमें बिग बी मीडिया के गोदी मीडिया बन जाने की पूरी राम कहानी बयां करते हुए दिख रहे हैं। अमिताभ बच्चन बतौर एक मीडिया कर्मी की भूमिका में नजर आते हैं, जो कि आज के दौर की मीडिया से पूरी तरह से परेशान है, और परेशान से ज्यादा हैरान इस बात से है कि कैसे इस देश में मीडिया, जिसका काम लोगों की बातें और उनके मुद्दे सरकार तक पहुंचाने की है, वो खुद सरकार से रिश्ते दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है और सरकार के करीब हर हाल में बनी रहना चाहती है। और खबर केवल नाम की खबर बनकर रह गई है और सिर्फ उसे एक सामान बनाकर मीडिया ने छोड़ दिया है, जो हर टीवी स्क्रीन और अखबारों में सेंसेशनलिज्म के साथ बेचा जा रहा है। अमिताभ बच्चन की वो वीडियो हम आपको पूरी नहीं दिखा सकते क्योंकि वो कॉपीराइट के श्रेणी में आ जाएगी, लेकिन हम उस पूरी कहानी को बताएंगे कि कैसे अमिताभ मीडिया के लफंटरों की पोल खोल रहे हैं। अमिताभ अपनी इस करीबन 2 मिनट के वीडियो में उस होड़ की भी बात करते हैं जो मीडिया में सबसे तेज, सबसे पहले होने की लगी हुई है, और तब चाहे इससे खबर मर ही क्यों ना जाए, सबसे पहले दिखाने और सुनाने की होड़ ने ही खबर की विश्वसनीयता को खत्म कर दिया है, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि सबसे पहले दिखाने या बताने से एड रेवेन्यू ज्यादा आएगी, मतलब इन चैनलों की कमाई ज्यादा होगी और ये मुनाफा कमा सकेंगे। अमिताभ आगे कहते हुए सुनाई देते हैं कि आखिर खबर और सरोकार के सवाल, जो कि लोगों के हित के लिए होने चाहिए थे, वो कैसे बाजार में बेचने और मुनाफा कमाने के सामान हो गए। मतलब इस 2 मिनट के वीडियो में बॉलीवुड के बच्चन गोदी मीडिया में तब्दील की जा चुकी इस दौर की मीडिया की उस सच्चाई को बयान करते दिख रहे हैं, जिससे हर एक देशवासी को समझना और जानना चाहिए। ये समझने की जरूरत सबसे ज्यादा है कि कैसे इन खलियरों ने हमें और आपको ये बेचने का सामान समझ लिया है और हर दिन हमारी सोच और समझ का सौदा ये सत्ता के गलियारों में कर रहे हैं। काफी समय बाद ही सही, लेकिन कम से कम हमने अमिताभ को किसी ऐसे मुद्दे पर बोलते देखा जिससे आम जनता का सरोकार है। याद कीजिए कि कैसे यही बिग बी 2014 से पहले इस देश में सरकार की खुलकर आलोचना किया करते थे, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर तंज कसा करते थे और सरकार को घेरा करते थे, लेकिन फिर सत्ता बदली और उसी के साथ बदल गए अमिताभ। और उस समय से चली आ रही चुप्पी जाकर इस साल उस मौके पर टूटी जब पठान का विरोध एक फिजूल से कारण को लेकर हो रहा था और अमिताभ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने वहां गए थे, तब उन्होंने अभिव्यक्ति को लेकर बात की थी। तब इसे सरकार और उसके कामकाज पर अमिताभ की टिप्पणी के तौर पर देखा गया था, और आज जब कई महीनों के बाद अमिताभ फिर से आम आदमी के मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो वो मीडिया और सरकार दोनों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो धीरे धीरे बॉलीवुड से खत्म हो रहे इस मौन व्रत पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारी फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।